वक्त आ चुका है इस गाड़ी का साउंड सुनाने का। तो BS6 में साउंड कैसा आता है वो आपको बताएंगे और BS4 में साउंड कितना आता है वो आपको कंपैरिजन में बताएंगे। मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, तो यार मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं देवराज मोटो व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया हूँ RC200 BS6 पर साउंड वीडियो। तो आज हम करेंगे इसका एग्जॉस्ट साउंड चेक। तो चलिए एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि RC200 BS6 में आपको ग्राफिक डिज़ाइन है वो कुछ ग्लेसी लुक में मिलता है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसका जो ग्राफिक लुक है वो आपको पास में आकर दिखाए। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रेस कंपटीशन और नीचे RC वगैरह लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रेडी टू रेस। तो आपको इसका ग्राफिक डिज़ाइन है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार इसका ग्राफिक डिज़ाइन है वो कुछ डेविल टाइप में दिया गया है, जो KTM लवर है वो अच्छे से जानते हैं कि इसका ग्राफिक डिज़ाइन है वो कितना प्यारा है। एग्जॉस्ट और BS4 में ये एग्जॉस्ट है वो कुछ बाहर की साइड में आता था, वो भी आपको दिखाएंगे। और आज आपको इसका साउंड सुनाएंगे साइड स्टैंड पर खड़े हुए और ऑन रोड पर ये कैसा साउंड देती है वो आपको बताएंगे। तो यार बातें बहुत हो गई है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वक्त आ चुका है इस गाड़ी का साउंड सुनाने का। तो BS6 में साउंड कैसा आता है वो आपको बताएंगे और BS4 में साउंड कितना आता है वो आपको कंपैरिजन में बताएंगे। तो सबसे पहले साइड स्टैंड पर खड़े हुए इस गाड़ी का आपको साउंड सुना देते हैं। तो चलिए ये तो था इसका साइड स्टैंड पर खड़े हुए साउंड। तो आपको ऑन रोड साउंड भी सुनाएंगे कि इसका ऑन रोड साउंड है वो कैसा आता है। वो इधर खड़ी है हमारी RC125 जिसका ऑन रोड साउंड कैसा आता है वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। तो सबसे पहले इसका साउंड सुना देते हैं ऑन रोड पर कि कैसा आता है। तो यार मैं अभी माइक है वो साइड में रखूँगा और उसके बाद इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। अभी आपने RC200 BS6 का ऑनरोड साउंड सुना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो यार ये लो, मैं काम की बात तो भूल ही गया, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, फोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उस जाते वक्त उस घंटे को भी बजा देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं RC125 BS4 के साउंड के बारे में, जो ऑटो वाली साउंड है वो आपको सुनाते हैं। यार इस चीज़ से मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूँ कि KTM ने ये ऑटो वाला साउंड ना जाने BS6 में क्यों हटा दिया है, मेरे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाकी बाइक है यार वो काफ़ी पहले से स्मूथ हो चुकी है, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसका। तो यार बाइक है वो बिल्कुल भी स्किड नहीं होती है, मैंने ये ट्राई किया है और ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और इसमें डबल चैनल ABS मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है बाइक के लिए। और ये 100% इसके चांस हैं कि ये गिरेगी नहीं, अगर आपको इसके गिरने का डर है तो इसमें फ्रेम स्लाइडर लगवा सकते हैं और फ्रेम स्लाइडर कैसे इंस्टॉल करना है इस पर भी वीडियो हम लेकर आएंगे अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो। और मुझे जो ये अंडर बेली इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आपको BS4 का 125 है उसका साउंड सुना देते हैं। तो चलिए, तो अभी आप BS4 का साउंड सुनेंगे तो मैं साथ में नहीं बोलूँगा, आप केवल इसका साउंड सुनिए क्योंकि मेरी वॉइस नहीं आएगी। अभी आप लोगों के लिए छोटा सा और कर देते हैं कि इसका जो ऑन रोड साउंड है वो भी आपको सुना देते हैं कि ऑन रोड इसका साउंड है वो कैसा आता है। और मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि इसका साउंड सुनाने से पहले इसका जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो डेविल टाइप में कैसे है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें पीछे की तरफ यहाँ आपको RC200 लिखा हुआ दिखाई देता है और आगे है यार वो यहाँ पर रेस कॉम्पिटिशन आपको मैंने बता ही दिया और आगे कुछ इस टाइप की यहाँ पर LED लाइट और लैंप दिए गए हैं। तो यार इसमें जो एक छोटी सी चीज़ थी वो मुझे खली कि BS4 में है वो दोनों लाइट अपनी नीड के अनुसार हम जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लाइट जलती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार अभी इसकी एक लाइट जल रही है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो अपर बीम है वो कैसे जलती है। तो ये देख लीजिए कि इसकी जो एक ही बीम है वो जलती है और अपर बीम है वो अभी जल रही है, जैसे हमें नाइट के समय इसकी नीड होती है हम जला सकते हैं।
और ये लो भी मैं जो एनी टाइम चालू रहती है। तो यार BS4 की बजाय BS6 में ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है जो अलग था। तो BS4 में थोड़ा सा इससे अलग था कि दोनों लाइट है वो अपनी नीड के अनुसार आप जला सकते थे, जो काफ़ी प्यारी लगती थी। अभी इसमें BS6 में केवल एक ही लाइट एक साथ में जलती है। तो अभी सुना देते हैं आपको KTM 125 का साउंड BS4 का ऑन रोड। अभी RC 125 का जो ऑटो वाला साउंड था BS4 का वो आपने सुन लिया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि दोनों में से आपको कौन सा साउंड है वो सबसे अच्छा लगा। और अपने भाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बिंदास।